हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एमपीएस 02 का एक नया चैप्टर है ये, और संजातीय पुनरुत्थान और पहचान युद्ध, ये आपके चैप्टर का नेम है। तो संजातीय समूह जो थे उनके ऊपर ये चैप्टर है, और किस तरह से वो आगे लेके गए अपनी विचारधारा को और लोगों को प्रोत्साहित किया, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये सभी टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं, ये सभी आपके जो इग्नू की बुक है MPS 02 की, उसमें जो है ये टॉपिक्स शामिल हैं। इम्पॉर्टेंस जिस पे क्वेश्चन बनते हैं और जो इम्पॉर्टेंस चीज़ें आपको जाननी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने पूरे वीडियो में ऐड करी है आपके चैप्टर से लेके, और जो है इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मैं MPS 02 के और MPS की, मतलब MA पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी बुक्स होती हैं, उन सभी के चैप्टर्स हम जो है अपने चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर डालते रहेंगे, और साथ साथ इसके इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन भी हम जो है आपको बताते रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं और जो है आप कैसे कैसे उसका आंसर दे सकते हैं, ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, और इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे आपको जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जो है आप पूरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन से, और हम जो है इसी तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं संजातीय पुनरुत्थान कैसे था। तो सबसे पहले जान लेते हैं संजाति, ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड लग रहा होगा, इसके बारे में क्या जानते हैं, कौन थे ये संजाति। संजातीय मतलब क्या होता है, सामान्य पहचान होती है एक व्यक्ति की, यानी कि उस सामान्य पहचान में, एक इंसान की पहचान में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, आप खुद ही जान सकते हैं। किसी व्यक्ति की संस्कृति क्या है, यानी कि वो उसका कल्चर क्या है, वो कौन सी भाषा बोल रहा है, वो कौन से देश से है, ये सब आता है संजातीय समूह में, यानी संजातीयता में। अगर उसकी जो भी सामान्य पहचान है ये व्यक्ति की, और वो क्या है, वो होती है संजातीयता। तो उसको पहचान को बनाने के लिए बहुत कार्य करता है इंसान यहाँ पे, मतलब कई बार उसकी, कई लोगों की पहचान ऐसी होती है जो कि समाज में गिनी ही नहीं जाती है, और एक अलग, उन्हें जो है सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। तो संजातीयता क्या कहती है, कि एक व्यक्ति की सामान्य पहचान है, ये सांस्कृतियों, वर्ग और राष्ट्रियों की अभिव्यक्तियों का समर्थन है। यानी कि संजातीयता क्या करती है, ये किसी भी संस्कृति जो कि अपनी लिए जो है आगे बढ़ना चाहती है, अपनी संस्कृति को लेके, अपने कोई भी राष्ट्रीयता है, यानी कोई भी देश अपनी पहचान चाहता है, तो उसके लिए ये कार्य करती है, अभिव्यक्ति का जो है समर्थन करती है, किसी भी देश का जिसे हमें जो है समाज में इंक्लूड करना चाहिए, किसी की राष्ट्रीयता है, अगर वो किसी की संस्कृति है, कोई वर्ग है ऐसा जो हमें देश में अपने जो है समाज में इंक्लूड करना चाहिए, वो होता है संजातीयता। तो हम संजातीयता क्या करती है, इन सभी वर्गों को जो पिछड़े हुए हैं, या फिर जिन्हें जो है इतना उनके संस्कृति को आगे नहीं ले जाया गया है, उन सब की बात करती है संजातीयता। तो संजातीयता की जो अवधारणा है, संजातीय अवधारणा है जो, ये राष्ट्रीय की विचारधारा, एक तो होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है, पूरे देश की एक ही विचारधारा हो, एक ही संस्कृति हो, उन सब की अगर हम एक साथ सब लोग विचारधारा रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयता। और संजातीय जो होता है, ये सिर्फ कुछ ही एक जो है पर्टिकुलर समूह की, पर्टिकुलर एक जो है ग्रुप्स की बात करता है, कि उसका वर्ग जो है आगे आना चाहिए, उसकी भाषा जो है आगे आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे राष्ट्रीय की जो अवधारणा है, उसके वजह से इसमें कमी आ रही है, संजातीयता की वजह से। तो राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीय लोगों को जो है समान विचारधारा से जोड़ती है। राष्ट्रीयता क्या है, सभी जो राष्ट्र के लोग होते हैं वो सभी समान विचारधारा रखते हैं, सभी समान राइट्स के लिए डिमांड करते हैं, और जो है उनके लिए सभी एक साथ होकर लड़ते हैं। और संजातीयता क्या कहती है, संजातीयता प्रत्येक संस्कृति, मतलब कोई भी हर एक संस्कृति, कोई भी अलग अलग जातियाँ जो होती हैं, सभी की बात ये करती है, सभी संस्कृतियों, जाति, स्वरूप व राष्ट्रीयता के व्यक्ति का ये समर्थन है। तो ये सभी की संस्कृति, चाहे अगर, मतलब कि अगर
हम किसी भी देश में, इंडिया की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे हिंदुओं को जो है सबसे मतलब जो है ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है, पर ऐसे लोग जो नहीं देखे जाते हैं, मतलब कि कुछ लोग जो है समाज में नहीं गिने जा रहे हैं उनकी जातियाँ, तो उसकी भी संजातीयता क्या करता है, उनको भी आगे लाने की बात करता है, उनकी पहचान दिलवाने की उन्हें बात करता है। तो ये राष्ट्रीयता की अवधारणा से थोड़ा अलग हो जाता है। राष्ट्रीयता में तो क्योंकि क्या हो रहा है, सभी लोग एक जैसी डिमांड कर रहे हैं, सभी चाहे वो कोई भी जाति का हो, सभी के लक्ष्य यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं। पर संजातीयता क्या कहता है, संजातीयता समूह क्या कहते हैं कि हमें जो है सभी जातियों का और संस्कृतियों का जो है सम्मान करना चाहिए और सभी के अलग अलग जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कैसे आधुनिकीकरण और संजातीयता पुनरुत्थान का जो है संघर्ष रहा। यानी कि एक आधुनिकीकरण का मतलब होता है हम कुछ भी समाज में नया करना चाहते हैं, पर संजातीयता क्या कहती है, वो जो है समाज के पुराने जो वर्ग हैं उनको, समाज के जो भी वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाना चाहती है। तो आधुनिकीकरण के पहले बारे में हम जानेंगे। तो आधुनिकीकरण शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण और राजनीतिक सहायता का उच्चतर स्तर प्राप्त करना है। आधुनिकीकरण का मतलब तो यही होता है कि हम जो है सभी चीज़ें अब हमें मिलना शुरू हो जाए, हमारे उचित शिक्षा मिले, प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी बढ़े, शहरीकरण हो और जो है राजनीतिक सहायता हमें दी जाए। यह है आधुनिकीकरण, ये बात करता है कि समाज में ये चीज़ें आनी चाहिए। तो आधुनिकीकरण विभेदों का तेज करता है, वह पहचान और जागरूकता को प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, जागरूकता को प्रदान करता है, सभी में जागरूकता लाता है कि वो अपने नियम कानून के लिए जो है उसका पालन करें और सभी के लिए जो है आगे आए, अपनी मतलब जो भी लक्ष्य हैं उनको एक ही विचारधारा को लेकर वो चलता है और जो है सभी के लक्ष्यों को पूर्ण करता है। और संजातीयता क्या कहती है, उसी के अगर अपोजिट हम बात करें, वो कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अलग जाति है उन सबकी जातियों को हमें लेके चलना चाहिए। यानी कि उन सभी जातियों को हमें महत्व देने चाहिए। ये मतलब कबीले जो होते हैं या फिर अलग वंश होते हैं उनकी ये बात करती है संजातीयता। तो पूर्ण स्वतंत्रता या राजस्व की बात करता है आधुनिकीकरण। अगर हम कहें तो आधुनिकीकरण क्या कहता है, मतलब कि या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण क्या कहता है, वो कहता है कि सभी में मतलब पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए और जो है राजस्व होना चाहिए, राजस्व की बात ये करता है। और इसी के अपोजिट हम अगर देखें संजातीयता को, तो ये जो है संजातीयता समूह, कबीलों तथा वंशों की हक की बात करती है। यहाँ पे क्या हो रही है, पूरे समाज जो है सभी को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे पूरे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, कितनी भी जातियाँ हों अगर, उन सभी के लक्ष्यों को हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। पर संजातीयता क्या कहती है, ये प्रत्येक कबीले वाले हैं, जो वंश हैं, जो पिछड़े हुए हैं समाज से, उनको हमें आगे लाना चाहिए और जो है उनकी क्या लक्ष्य हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उसके बारे में हम यहाँ पे सोचेंगे और उनके लिए काम करेंगे। तो ये तो है पर्टिकुलर के बारे में। और ये जो है अंतर संजातीयता प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है और हिंसा बढ़ाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संजातीयता क्या करती है, एक कंपटीशन बढ़ाती है, क्योंकि वो क्या कह रही है, सभी समूह आगे आएँ, सभी जातियाँ आगे आएँ, तो उससे क्या है समाज में, सोसाइटी में क्या है, एक कॉम्पिटिशन बन जाता है कि सभी जातियाँ अब तो चाहेंगी कि हमारी संस्कृति को आगे लिया जाए, हमारी भाषा बोली जाए। तो ये संजातीयता कहता है। और संजातीयता आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की बात नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आधुनिकीकरण है या हम कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण है, वो क्या बात कर रहा है कि व्यक्ति को, पूरे समाज को पूरी स्वतंत्रता मिले और राजस्व हो। और जो पर संजातीयता आंदोलन क्या कहता है, वो पूर्ण स्वतंत्रता या राजस्व की बात नहीं करता, बल्कि सभी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार व बेहतर पहचान प्राप्त करवाने पर ये जोर देता है। तो संजातीयता यहाँ पे क्या कह रही है, वो ये नहीं कह रही है कि मेरे को पूरी स्वतंत्रता दो या हमें पूरी तरह से जो है हमारी जातियों को आगे लेके जाओ, बस ये कह रही है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति की जाति को हमें सम्मान देना चाहिए। अगर हम मतलब उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं समाज में पिछड़े हुए हैं, कबीले वाले अगर हम कहें, तो इनके जो है इनको इतना महत्व नहीं समाज में दिया जाता है, ना इनको जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। तो संजातीयता की अवधारणा यहाँ पे ये कह रही है कि जो है हमें हर जाति को आगे लेके जाना चाहिए और उनको मतलब हमारी तरफ से उन्हें जो है आगे समझा जाना चाहिए और उनको जो है हक देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके जो भी रिस्पेक्ट हमें उनकी बनती है हमें देनी चाहिए। तो ये थी संजातीयता की अवधारणा, जो कि आधुनिकीकरण पर एक संघर्ष होता है क्योंकि ये उसके अपोजिट है। इसके बाद हम कुछ संजातीय समूह देखेंगे, कौन कौन से होते हैं, मतलब कि संजातीय समूह किस
हम किस समूहों की बात कर रहे हैं, एक तो होती है पिछड़ी जातियाँ, और कौन से ऐसे समूह हैं जो कि जो है संजातिता की अवधारणा उनके लिए बनाई गई है, किन के लिए बनाई गई है वो हम देखेंगे। तो संजातीय समूह कबीलों तथा वंशों के हक की बात करते हैं, यानी कि एक तो होते हैं जो कबीले वाले होते हैं, मतलब जो है हमारे देश से अलग होके रहते हैं, अपने ही एक गांव ये बना लेते हैं और वहीं पे जो है अपनी सारी जो भी इनके संस्कृति होती है उसको ये अलग रह के, सोसाइटी से अलग रह के पूरा करते हैं। तो यहाँ पे संजातिता की अवधारणा कहती है कि हमें इन सब की जो है संस्कृतियों को भी शामिल करना चाहिए प्रत्येक लोगों की। और दूसरे तरह के क्या होते हैं, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो जब विभाजन हो रहा था तो कुछ समूह ऐसे थे जो पिछड़े रह गए थे, मतलब ना इस देश में शामिल हो पाए ना इस देश में, तो उन अल्पसंख्यकों को जो है उनके लिए ये अवधारणा हम कहते हैं संजातीय अवधारणा। अगर वो संजातीय अवधारणा अपनाते हैं, यानी कि उनके लिए हमें जो है ये अवधारणा अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम उनके बारे में, उनके लक्ष्य क्या होंगे उनके बारे में हम सोच सकेंगे। तो उपनिवेशवाद की अवधि के दौरान एक अल्पसंख्यक रहा था, अल्पसंख्यक यहाँ पे वो वही नहीं होते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, उपनिवेशवाद यानी कि जब कोई और राष्ट्र हम पे कब्जा कर लेता है तो हमारी संस्कृति, हमारी जो भाषा होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है, दब जाती है। तो संजातीय अवधारणा जो है उसको क्या करती है, उसको महत्व देती है। अगर उपनिवेशवाद क्या कर लेता है, किसी राष्ट्र पर अपना कब्जा कर लेता है और जो है अपनी ही जो उसकी भाषा होती है, किसी राष्ट्र, जिस राष्ट्र ने कब्जा किया है उसकी जो भाषा है और जो संस्कृति है, वही संस्कृति वो जो है अपने राष्ट्र जिस पे उसने कब्जा किया है उसको भी लागू करने को कहता है और उसको भी अपनाने को कहता है। पर संजातीय अवधारणा क्या कहती है, हमें ऐसा जो है प्रत्येक राष्ट्र की अवधारणा, जो भी प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति है और जो भी वो मतलब मानते हैं, उन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जो कि उपनिवेशवाद के कारण कहीं ना कहीं दब गई हैं उनकी अवधारणा, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के समय जो विभाजन हुआ था उसके कारण दब गई है, या फिर वो कोई कबीला समूह है, कोई ऐसा पिछड़ा हुआ समूह है उनकी अवधारणा है। तो संजातीयता अवधारणा इन सभी के जो है संस्कृतियों को बढ़ावा देती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आत्मनिर्णय का अधिकार एक लागू हुआ था, लास्ट में इनके लिए जो है एक आत्मनिर्णय का अधिकार यहाँ पे लागू हुआ था। आत्मनिर्णय का मतलब होता है कोई भी, अगर कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी या फिर समाज है, समूह है, वो क्या कर सकता है, अपना आत्मनिर्णय ले सकता है। कोई भी अगर वो भाषा अपनाना चाहता है, कोई भी संस्कृति अपनाना चाहता है, उसे वो यहाँ पे अपना सकता है। तो सभी को यहाँ पे आत्मनिर्णय का अधिकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दे दिया गया था और संजातीय अवधारणा जो है आगे बढ़ गई थी। तो संजातीय अवधारणा के बारे में आज के लिए इतना ही, मैंने आपको सारा बता दिया है संजातीय अवधारणा क्या थी। और जो है राष्ट्रीयता की अगर हम इससे बात करें, राष्ट्रीयता की अवधारणा से क्या कंपैरिजन था, दोनों में क्या डिफरेंस है। राष्ट्रीयता क्या करती है, पूरे समाज की बात करती है, पूरे राष्ट्रों की बात करती है। और संजातीयता अवधारणा क्या बात करती है कि जो भी पिछड़े हुए समूह हैं, जिनकी लोगों को हमने गिना नहीं है अभी तक, और या फिर जिन लोगों की संस्कृति दब चुकी है, उनको हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार हमें रखना चाहिए, और जो है उनकी भाषा अगर वो कोई अपनाना चाहते हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस था, राष्ट्रीयता की अलग मांग होती है और संजातीयता अलग बात करती है। यहाँ पे ये डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो आप ये लिख सकते हैं। और इनका आंदोलन, अगर संघर्ष आपसे पे पूछा जाता है, जैसे मैंने ये हेडिंग बनाई है आधुनिकीकरण और संजातीयता पुनरुत्थान और संघर्ष, अगर आपका यही क्वेश्चन बन जाता है तो आप तभी भी यही दो डिफरेंस लिखना है आपको। और अगर आपसे राष्ट्रीयता और संजातीयता अवधारणा के बारे में पूछा जाता है तभी भी आपको ये दो डिफरेंस लिखने हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा संजातीय समूह कहाँ कहाँ से जो है आए, या फिर कहाँ कहाँ से हम बनाते हैं, संजातीय अवधारणा क्यों बनी, किसके लिए बनी, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है। कौन कौन लोग थे वो, जो कबीले वाले होते हैं, या फिर जो जो है जब विभाजन हुआ उस समय जो दब गए, या फिर उपनिवेशवाद की जो पूरी जो अवधि चली, यानी कि जब राष्ट्रों ने किसी देश पर कब्जा कर लिया तो उनकी संस्कृति दब गई, उनकी ये बात करते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने आत्मनिर्णय का अधिकार यहाँ पे कर दिया था। तो ये सभी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी मैंने आपके लिए यहाँ पे लेकर आई थी, आपके चैप्टर में जो जो है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके बारे में मैंने यहाँ पे ऐड किया है।
तो आपको पसंद आई हो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको जो है कुछ भी डाउट्स है इससे रिलेटेड। इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पे बन सकते हैं इस चैप्टर पे, मैं वो भी लेकर आऊँगी। अगर आप मुझे कमेंट में ऐसे स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड मुझे लगेगी तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आएंगे हम, जिसमें कि जो है सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो है सारे ही आपके कितने मार्क्स के अगर आते हैं क्वेश्चन तो उस हिसाब से आप क्या आंसर दे सकते हैं उसका, या फिर कितने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, उस तरह का जो है आपके लिए पूरा जो है एक नया वीडियो मैं बनाऊंगी अगर आपके डिमांड होती है तो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।